नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज और मैं रिजवी। जैसा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा 23 फरवरी को पटना के बापू सभागार में पंचायती स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जितने भी हम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गए हैं, तमाम लोग इसको मजबूती से लग गए हैं। कैसे कामयाब किया जाए, ये सम्मेलन को कैसे कामयाब किया जाए, उसी क्रम में आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो प्रदेश सचिव है हम पार्टी के और अररिया जिले के प्रभारी है सलीम सिद्दीकी अशरफी, जो हम पार्टी के प्रदेश सचिव और अररिया जिले के प्रभारी है, उन्होंने एक अपील की है तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कि इस सम्मेलन को जहां तक हो सके पूरी तरीके से लग जाएं। तमाम लोग, जितने भी हम पार्टी के लोग हैं, जितने भी हम पार्टी कार्यकर्ता है, नेतागण है, जो भी इसमें है, सब लोग लगे इसको कामयाब बनाए। ये बातें आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके हम पार्टी के जो सलीम सिद्दीकी अशरफी हैं, जो प्रदेश सचिव भी हैं और अररिया जिला के प्रभारी है, उन्होंने ये बातें कही। और उन्होंने कहा है कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी को हम लोगों को मजबूत करना है, उनके हाथों को मजबूत करना है, और जो बिहार के मंत्री हैं अभी डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पार्टी के हैं डॉक्टर संतोष कुमार, उनके हाथों को भी मजबूत करना है, और हम पार्टी का जो अभी चुनाव होने वाला उस बूथ स्तर पर मजबूत करना है। ये तमाम बातें आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सलीम सिद्दीकी अशरफी ने मीडिया को कहा। और उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है चुनाव को देखते हुए, चुनाव करीब है, तमाम पार्टियां तैयारी भी लग चुकी है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी को मजबूत करना, उनके हाथों को मजबूत करना पूरे बिहार में। ये तमाम बातें आज मीडिया के सामने गई। इस तरह तमाम ताजा तरीके खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।